नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की शो में पे बात करेंगे आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे 5 मिनट में अप्रूव हो गया, विदाउट इनकम प्रूफ विदाउट केवाईसी यहाँ पे 5 मिनट में अप्रूव हो गया। 70,000 की लिमिट मिली है, तो कैसे यहाँ पे अप्लाई किया है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जो देखिए वो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए आईसीआईसी का अमेजॉन क्रेडिट कार्ड हर कोई चाह रहा है, हर कोई यहाँ पे मुझे मैसेज करता है पूछता है इसका कोई ट्रिक है तो बताइए। देखिए ट्रिक तो वैसे नहीं है, बट इनकम प्रूफ यहाँ पे लगी रहा है, बिना इनकम प्रूफ अपलोड किए नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे देखिए आपको ऑफर है विदाउट इनकम प्रूफ विदाउट यहाँ पे वीडियो के वाई सी ये सब का ऑफर है तो आपको मिल सकता है। एक यहाँ पे मैंने देखा, मैं भी अपने भाई का अप्लाई कर रहा था तो उसमें देखा 100% यहाँ पे पेपरलेस, 100% पेपरलेस में देखिए इनकम प्रूफ मांगता ही है। मैंने यहाँ पे देखा इनकम प्रूफ यहाँ पे देखिए 100% पेपरलेस तभी यहाँ पे शो होता है जब आपका यहाँ पे अकाउंट वगैरह हुआ अगर आईसीआईसी में, तब 100% पेपरलेस शो होता है। बाकी यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ अपलोड करना ही पड़ता है। अगर आपको यहाँ पे देता है 100% पेपरलेस विदाउट इनकम प्रूफ, तब जाके यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ मांगता है। अगर बस यहाँ पे 100% पेपरलेस बोल रहा है तो इनकम प्रूफ मांग सकता है। तो देखिए राहुल भाई ने मुझे यहाँ पे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और बताया कि यहाँ पे 70,000 की लिमिट मिली, वो अपना एक ट्रिक यहाँ पे लगाया जिसका यहाँ पे मुझे यहाँ पे बताया एक ट्रिक यहाँ पे यूज किए, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए 70,000 की लिमिट इनको मिली है, ये मुझे ये मैसेज किए हैं, बोल रहे हैं भाई 5 से 10 मिनट में अमेजॉन आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया विदाउट इनकम प्रूफ, ऐसा मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं राहुल भाई। और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे एप्लीकेशन, देखिए 21 तारीख को यहाँ पे इन्होंने भेजा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई सब कुछ हो गया, अब कार्ड अप्रूव हो गया, 70,000 की लिमिट मिली है। तो मैंने पूछा भाई सिविल कितना है, तो बोल रहे 765 मेरा सिविल है। इसमें यहाँ पे देखिए मैंने उनसे पूछा, पहले यहाँ पे बोल रहे पहले अप्लाई किया था तब यहाँ पे 730 था तो इनकम प्रूफ मांग रहा था, एप्लीकेशन 4 से 5 महीना तक प्रोसेसिंग में रहा, फिर अमेजॉन पे ऑप्शन से हट गया। मतलब कि ये जब इन्होंने कुछ महीने पहले यहाँ पे 4 से 5 महीने पहले अप्लाई किया था तब इनकम प्रूफ मांग रहा था, इनकम प्रूफ मांग रहा था तो इन्होंने आधे पे छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे किया ही नहीं, छोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वो हट गया, एप्लीकेशन से ही हट गया ऑप्शन, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं फिर 21 तारीख को फिर से अप्लाई किया तो इंस्टेंट अप्रूव हो गया, 21 तारीख को इन्होंने फिर से अप्लाई किया, 4 महीने पहले अप्लाई किया तो इनकम प्रूफ मांग रहा था, फिर इन्होंने 21 तारीख को अप्लाई किया तो बोल रहे हैं मैंने आईसीआईसी में 0 बैलेंस ओपन किया 3 महीने पहले और 20K के आसपास मेंटेन कर किया, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन किया बस। देखिए बोल रहे हैं इनका अच्छा ट्रिक यहाँ पे इन्होंने लगा, 4 से 5 महीने इन्होंने पाया जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, इनकम प्रूफ मांग रहा था, वेरिफिकेशन होगा सब कुछ होगा, इतना यहाँ पे मगजमारी पड़ जाता है। तो इन्होंने क्या किया एप्लीकेशन को छोड़ दिया, उतने पे कुछ नहीं किया। 3-4 महीने बाद इन्होंने क्या किया, उसके पहले ही बीच में, पहले तो एप्लीकेशन यहाँ पे तो कैंसिल हो गया लेकिन बीच में इन्होंने क्या किया आईसीआईसी का 0 बैलेंस अकाउंट ओपन किया, 0 बैलेंस अकाउंट ओपन किया और उसमें 20K मेंटेन करके रखे, 20,000 तक मेंटेन करके रखे और मेंटेन भी किए, प्लस यहाँ पे बोल रहे थोड़ा ट्रांजेक्शन भी मैंने किया, ट्रांजेक्शन किया बोल रहे बस इतना किया, सिविल हिस्ट्री ऑलमोस्ट 2 साल पुराना है और एक 1 कार्ड और एक एक्सिस का फ्री चार्ज है और स्लाइस कार्ड एक्टिव है, बस इतना ही है इनके पास। देखिए सिविल स्ट्रीन का 2 साल पुराना है, 1 कार्ड इनके पास है और एक्सिस का फ्री चार्ज है और स्लाइस कार्ड है, बस इतना 3 यहाँ पे एक्टिव है और उसके बाद इनको ये मिल गया ऑफर। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है, जब आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन तब नहीं होगा जब आपके पास अकाउंट रहेगा। ये देखिए बहुत लोग इसमें डरते भी है यार, वेरिफिकेशन होगा, होम वेरिफिकेशन होगा, ऑफिस वेरिफिकेशन होगा तब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर इनकम प्रूफ रहता भी है तो भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं 99% जब आपके पास यहाँ पे अकाउंट रहेगा, तब आईसीआईसी का अकाउंट रहेगा तब यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे फेच करके यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखा है कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 100% पेपरलेस के लिए यहाँ पे शो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा अप्लाई करते समय, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दिखाता है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पिकअप के लिए आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये सब लेना पड़ेगा, अकाउंट होने के बावजूद भी।
तो मैंने भी यहाँ पे अप्लाई किया था, तो जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पिकअप का ऑप्शन आया था तो सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, डेट ऑफ दे दिया, लेकिन दो दिन बाद अपने आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई दिखा दिया था, क्योंकि यहाँ पे उस समय यहाँ पे हो सकता है फैच ना किया हो, तो इसलिए बाद में यहाँ पे दो दिन बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच होकर यहाँ पे दिखा दिया कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पे जो दिखाता है। तो इसीलिए अकाउंट अगर आपका रहेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जीरो बैलेंस ही अकाउंट रहे तो अच्छा है, क्योंकि जीरो बैलेंस रहे चाहे जो भी रहे मेंटेन वाला अकाउंट रहे तो क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा यहाँ पे वो डायरेक्ट फैच कर लेता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपका अकाउंट से ले लिया जाता है। ये हो गया, इसमें भी यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था मैंने उसको दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने खुद अप्लाई किया तो मुझे पता चला 100% पेपरलेस में, 100% पेपरलेस में इनकम प्रूफ मांगता है। 100% पेपरलेस बस इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आपका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट रहेगा इसलिए। लेकिन यहाँ पे 100% पेपरलेस प्लस यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ रहेगा, तब उसमें यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं मांगता है। तो ये चीज़ का ध्यान दे कि आप अप्लाई करें, या फिर जैसा इन्होंने ट्रिक लगाया उस ट्रिक से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा इनका ये कहना है, अकाउंट रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है, हो ही जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। और भी यहाँ पे देखिए, अगर आपको विदाउट इनकम प्रूफ चाहिए तो आपके पास यहाँ पे एक कार्ड रहना चाहिए, एग्जिस्टिंग कार्ड रहेगा किसी भी बैंक का, तो ICICI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए। ICICI का बैंक में जाके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के बाद उसको थोड़ा दिन यूज करिए, 3 से 4 महीना जो भी यूज करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑफर मिल जाता है। मैंने इसको पर यहाँ पे वीडियो बनाया है, उसमें मैंने यहाँ पे पूरा प्रूफ के साथ बताया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कार्ड है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ICICI का कार्ड है, तो यहाँ पे ऑफ़र देता है, ऐसा यहाँ पे ऑफ़र आता है, ना कि यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे नहीं आता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कभी कभी फैच नहीं करता है, तो आपका डिटेल्स नहीं आता है अकाउंट का, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आपके पास ICICI का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रहेगा, कोई भी क्रेडिट कार्ड रहे, तो जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे फैच हो जाएगा, और लास्ट के 4 डिजिट आपका शो हो जाएगा, कि उसमें यहाँ पे दिया जाएगा कि लास्ट का 4 डिजिट आपका यहाँ पे शो होगा, और उसी कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना रहेगा जब अमेजोन का अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा कि उस कार्ड के बेस में आपका इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा। तो एक आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और चीज़ है, ये आपको ऑफ़र या फैच जो है डिटेल्स कब शो होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, कभी भी यहाँ पे शो हो सकता है। और एक चीज़ और है, ये चीज़ यहाँ पे FD कार्ड भी रहेगा तभी भी यहाँ पे शो हो जाता है, और आपका यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड रहेगा तभी भी शो हो जाता है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन में देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपका यहाँ पे सिविल कम है, सिविल इंक्रीज करना है, या कोई भी कार्ड नहीं है आपके पास, तो 1 कार्ड ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर ले, उससे आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा सिविल में, प्लस आपका सिविल भी अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब के ऊपर पूरा ही आपको वीडियो मिल जाएगा, आई बटन में देख लेना, या लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख लेना, पूरा ही वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से राहुल भाई ने यहाँ पे किया था, उस हिसाब से शायद से और भी आपके एरिया में अगर ICICI का यहाँ पे सर्विस है तो उसका अकाउंट ओपन कर ले और थोड़ा यूज करे तो हो सकता है हो जाए। कि वैसे तो यहाँ पे देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट में चांसेस नहीं रहते प्री अप्रूव के, लेकिन आपका ये तो रहेगा कि विदाउट इनकम प्रूफ में ऑफर मिल सकता है अमेजोन की तरफ से, या 100% पेपरलेस का ऑफर आपको शो हो सकता है। तो पूरा ही प्रोसेस बता दिया मैंने, जैसा यहाँ पे राहुल भाई का था, 70,000 की लिमिट मिली, 765 यहाँ पे सिविल था, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसेस मैंने बताया, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आता है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ नए अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।